बड़ा सवाल पूछते हैं और उसका जवाब मेरे पास, मैं मतलब क्या बोलूँ अब उसके बारे में। बच्चों के सवाल होते हैं कि सर क्या 11th पढ़े बिना हम 12th में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ एक इतना बड़ा प्रश्न मार्क लगाने की इच्छा करती है कि मैं क्या बोलूँ। अब एज अ शिक्षक जो है, मैं कभी किसी बच्चे को डीमोटिवेट तो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, ऐसा मैं कभी नहीं कह सकता, क्योंकि ये सच भी नहीं है। ऐसा है नहीं एक्चुअल में कि 11th पढ़े बिना बच्चा 12th में अच्छे नंबर नहीं ला सकता, ये सच नहीं है। पर हाँ, ये भी अपने आप में सच है कि अगर बच्चे ने 11th नहीं पढ़ी है तो 12th में उसको 11th का कुछ हिस्सा तो वापस से पढ़ना पड़ता है और उसको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं। तो बिना 11th पढ़े भी बच्चा 12th में अच्छे नंबर ला सकता है, पर उसको अपने एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो बेस्ट कौन है? बेस्ट वो है जो 11th में भी अच्छे से पढ़ाई करता है और उसके बाद 12th में जाता है, तो उसको 11th के बेसिक क्लियर होते हैं, तो 12th की चीजें बहुत जल्दी जल्दी समझ में आती हैं, तो वो IIT JEE और नीट की तरफ अपना कदम रख पाता है। अब जो बच्चा 11th में पढ़ाई नहीं करता, वो क्या करता है, 12th में 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा होता है, तो उसके पास फिर समय नहीं होता है IIT JEE की तैयारी करने में, और फिर उसको ड्रॉप करना पड़ता है या IIT JEE को ही छोड़ना पड़ता है ना। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि 11th क्लास को सीएस के लें, और जहां बेसिक्स की बात हो रही है, जहां हम लोग एकदम बेसिक चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे तो ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि टफ चीजें पढ़ना आसान है अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो। ठीक बात है ना? ये बात तो बिल्कुल सही है ही।